हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टाटा हिटैची का मशीन होता है, जिसको हम बोबलेन बोलते हैं, उसका लीवर किस तरीके से काम करता है। आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि उसमें कितने फंक्शन होते हैं, किस तरीके से लीवर काम करता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो कि हमारा चार फंक्शन एक साइड होता है, चार फंक्शन एक साइड में। जैसा कि हम जेसीबी चलाते हैं तो उसमें आठ फंक्शन होते हैं, जो पोपलिन का होता है उसमें भी आठ फंक्शन होते हैं, दोनों में चार चार फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वो काम करता है। अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए, राइट साइड ले जाएं, तो किस तरीके से वो काम करता है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूं लाइव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आ गए हम मशीन के केबिन में। इसमें दिखाते हैं आपको ये जो टाटा हिटैची का मशीन है, इसमें लीवर किस तरीके से काम करता है। हमें जब बकड़ भरते हैं या मट्टी डालते हैं कहीं या लोडिंग करते हैं, तो किस तरीके से लीवर काम करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं लीवर यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। जैसा कि यहाँ से देखिए दोस्तों, हम इसको यहाँ से रेस थोड़ा ऑन कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, और इसको थोड़ा ऐसा हम बूम, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बूम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक ये लीवर दिया गया है, इसको हम ऑन कर देंगे तो हमारा मशीन चालू हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है इसमें देखिए दोस्तों, इसमें चार फंक्शन होता है और इसमें चार फंक्शन होता है। इसमें देखिए दोस्तों, एक पहला वाला इसमें पीछे हम करेंगे, ऐसा पीछे करेंगे ना, पीछे ये मशीन हमारा ऊपर उठने लगेगा। इसमें ओनली चार फंक्शन दिया गया, इसमें चार फंक्शन और इसमें चार फंक्शन। क्या क्या इसमें काम करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, अगर हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे की तरह ऐसा फील करेंगे तो ये देख सकते हैं कि पीछे तरह यह उठने लगेगा। और यहाँ पे दो फंक्शन में समझ में आ गया। और ये जो तीसरा है ये साइड में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बकेट ये बंद हो रहा है और ये साइड में ये खुलता है। यहाँ से आप चार फंक्शन समझ गए हैं कि ये जो है कि प्लस में चलता है, जो जेसीबी का होता है वो गुड़े में चलता है, इंटू में चलता है, जिसको हम इंटू बोलते हैं या गुड़ा बोलते हैं, उस तरीके चलता है। ये जो पोपलेन होता है, चाहे हिटैची हुई, टाटा हिटैची हुई, चाहे कोई भी मशीन हुआ जो पोपलेन तरीके से होती है ना, उसमें जो है कि प्लस में चलता है सभी चीज़। चार फंक्शन इसमें हमें समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा और इसको पीछे करेंगे तो ऊपर जाएगा, और यहाँ से हम इसको अगर राइट साइड में करेंगे तो ये बकेट खुल जाएगा, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड में इसको करेंगे तो यहाँ से बकेट बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, और इसमें चार फंक्शन है, ये लीवर इस साइड में दिया है लेफ्ट साइड में, तो इसमें चार फंक्शन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो स्टिक होता है अंदर आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टिक अंदर आना स्टार्ट हो गया है। ये जो लीवर हम ऊपर करेंगे तो स्टिक अंदर आना स्टार्ट हो गया है, और जब ये नीचे की तरफ करेंगे ना, ऐसा नीचे दबाएंगे तो ये स्टिक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या, और दो सिस्टम इसमें समझ आ गया, दो सिस्टम क्या है इसमें। जैसे कि अगर हम स्विंग करने का इसमें होता है कि अगर हम थोड़ा इसको हम ऊपर उठा लेते हैं मशीन को, तो ये बकेट हमारा जो है कि अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो फंक्शन है इसमें हमें यहाँ समझ में आ गया। यहाँ से स्टिक ऊपर होता है नीचे करने पे, यहाँ से ये अंदर आता है स्टिक, और यहाँ देखिए तो ये स्विंग करने का होता है। अगर हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ राइट साइड में ऐसा दबाएंगे तो ये स्विंग करना स्टार्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में इसको दबाएंगे तो ये स्विंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये पोपलेन का मशीन है, टाटा हिटैची है, इसमें चार फंक्शन है, इसमें चार फंक्शन है, दोनों लीवर को आपको मेंटेन करके चलाना है। जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस में चलता है, सीधा सीधा मैं आपको दिखा दिया, यहाँ से अगर नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से इसको ऊपर की तरह ऐसा खींचेंगे तो ये ऊपर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड स्विंग है, इस साइड स्विंग है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि स्विंग करने का इसमें चार फंक्शन है और इसमें चार फंक्शन है, दोनों मेंटेन करके चलाना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको चलाना बहुत ही आसानी से आप चला सकते हैं। ये जो आगे का आप पैंडल देख सकते हैं कि ये जो मार्चिंग करने का, जैसे कि हम आगे ले जाते हैं इसको ऐसा दबाएंगे तो हमारा मशीन आगे जाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको हम पीछे की तरफ ऐसा करेंगे ऐसा, तो हमारा मशीन पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इस फंक्शन को आप समझ लिए हैं किस तरीके से काम कर रहा है, और टिप्पर भरना बहुत ही आसान। तो उसको देखा आपने कि जो हमारे टाटा हिटैची का मशीन है उसका लीवर किस तरीके से काम करता है, हम किस तरीके से स्विंग करेंगे, किस तरीके से बकेट को भरेंगे या खोलेंगे, वो किस तरीके से काम कर रहा है, मैं आपको लाइव दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।